ये सबसे महंगा पेड़ जो अभी चल रहा है। ये यार बिल्कुल सूख गया है। Now I'm feeling very good, very well. रात को बुखार नहीं आया, सो सुबह की बज रही है अभी 10 एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। वैक्सीनेशन के सेकेंड डे पर बुखार चढ़ा था, तबीयत खराब हुई थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है अभी तक तो। सो फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं अपना दिन, ब्रेकफास्ट करते हैं पहले, उसके बाद क्या होने वाला है वो आपको बताएंगे। जिम जाने का मन कर रहा है, सोच रहा हूँ थोड़ा सा जिम हो जाऊँ, वर्कआउट नहीं करेंगे बस थोड़ा सा ऐसी रनिंग वनिंग कर लेंगे। इधर हन्ने खा रही है भाई पीनट बटर, ये ऐसी खाती है, ब्रेड के साथ नहीं खाती कभी भी। जिम से आ गया हूँ, वर्कआउट हो गया है और लंच भी कर लिया है। बहुत थोड़ा सा वर्कआउट किया जिम में, क्योंकि भाई 6 महीने बाद जिम गया था, अगर ज़्यादा करता तो दिक्कत हो जाती, और ज़्यादा इसलिए भी नहीं किया क्योंकि कल ही बुखार खत्म हुआ है। सो फिलहाल बैठे हैं अपने सिस्टम पर, और यार बाहर बहुत गर्मी है, एसी चल रहा है, फिर भी एसी का कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। शाम के 5 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ फरीदाबाद अपने दोस्त के साथ। दोस्त को पिक कर रहा हूँ पहले साकेत से, जी ब्लॉग से, तो उसको पहले पिक करते हैं। हनी को नहीं ना, अरे यार मैं तो हनी के लिए आया था। ओह माय गॉड, हनी ना तंग हो जाती है यार। क्यों? अकेले थोड़ा सा मैं रखता उसका ख्याल। अपने स्कूल की बिल्डिंग नहीं बन गई है। हाँ। तो ये अपना जी ब्लॉक साकेत वाला स्कूल, यहाँ पढ़ते थे पहले, यहाँ पर ग्राउंड होता था जहाँ पे बिल्डिंग बन गई है स्टैंड के बगल में, यहाँ से कूदते थे ना स्टैंड के बगल से। तो भाई अभी आए हैं हम फरीदाबाद में ही हैं और नर्सरी में, क्योंकि जो अपना प्लॉट है वहाँ पेड़ वेड़ लगाने हैं, सो उसके लिए पेड़ देख रहे हैं। और ये नर्सरी है पवन के ताऊ जी की, सो जानने वाले हैं तो फिर यहीं से देख लेंगे जब बनाएंगे, जब पेड़ पौधे लगाएंगे जब मौसम आ जाएगा। बाकी देख रहे हैं पेड़ कौन कौन से होते हैं, वैरायटी चेक कर रहे हैं। ये पाम ट्री है, तो ये वो वाला पेड़ है पाम ट्री जो बहुत ऊँचा हो जाता है, आपने अक्सर मतलब बड़े बड़े फिल्मों में उन्होंने देखा होगा। हाँ, जैसे वो सामने लगा हुआ है ना, वो वाला पेड़ है ये। इसका क्या रेट होता होगा, पूछ लेंगे इसका रेट ना भी, तो इनमें से उखाड़ के देंगे यहीं से। हैं हाँ, इतना पूरा निकाल के देते हैं पूरे जड़ के साथ में। दो पाम ट्री लगा लेंगे और बाकी लगाएंगे फल फ्रूट और कुछ ऐसे लगाएंगे जिनसे एक फील आती है, मतलब फार्म हाउस वाली, वैसे कुछ लगा देंगे अच्छे से। तो भैया मुर्गे पाल रखे हैं। ये सबसे महंगा पेड़ जो अभी चल रहा है, कितने का होता होगा अंदर आइडिया? 4000 का पेड़ है ये भाई, इस साइज के 4000 का पेड़ है, वो तो फुट के हिसाब से बढ़ते हैं इनके पेड़। सो भाई पेड़ वेड़ देख लिए और डिसाइड भी कर लिए हैं, बस थोड़ा सा एरिया बताना पड़ेगा कितने एरिया में कितने लगेंगे, वो जब मौसम आएगा तब उसका सेट कर लेंगे, काम कर लेंगे जो भी होगा लगाने का तय। सो फिलहाल चल रहे हैं प्लॉट पर। ये यार बिल्कुल सूख गया है और पत्ते बिल्कुल सूख गए हैं, हो सके तो अभी नमी है इसमें, ये चल जाएगा, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर बताऊं मैं आपको, जो हमारा दूसरा पेड़ था नींबू वाला पेड़ है, ये भी अच्छा चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये फूल भी अच्छे हैं, लेकिन गर्मी की वजह से देखो रंग इनका उड़ गया है, मुरझा गए हैं। सो ये भी चल जाएगा, ये भी मुरझा गया। ये लीची का पेड़, इसकी पूरी भी उम्मीद है हमें, ये हमारा जी जाएगा, ये इन कठिन परिस्थितियों को सह रहा है। कल यार बहुत दिक्कत हो गई, जो फाइल्स थी उन्हें मैं कंप्यूटर में कॉपी कर रहा था, तो उनमें से कुछ फाइल्स मेरी करप्ट हो गई, इस वजह से ब्लॉग बहुत छोटा रह गया। ये आई होप आपको फिर भी पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। और यार जो कल का ब्लॉग आने वाला है वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जा रहा हूँ एक स्पेशल जगह पर घूमने दोस्तों के साथ, सो स्टे ट्यून, देखना मत भूलना स्पेशली कल वाला ब्लॉग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे, टिल देन बाय, टेक केयर।